हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जहाँ पे बात करने वाले हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में, फिर से यहाँ पे तीन तीन बड़ी खबरें निकल करके आ रही है। और जो एक खबर है जो रिलायंस जियो से जुड़ी हुई है, वो अपने आप में थोड़ा बहुत चिंता का विषय पैदा कर सकते हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। तो मैं आपको पहले से ही आगाह करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये कुछ जो अनाउंसमेंट होने वाला है, अगर ये हो गए तो थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर वोडाफोन आइडिया में आता हुआ आगे जा करके हो सकता है देखने को मिले। मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों पॉसिबिलिटीज़ की। तो आपको पहले से ही आगाह कर रहा हूँ कि इस न्यूज़ के ऊपर आपको पहले नज़र रखनी चाहिए। और इसके अलावा दो खबरें हैं जिसके बारे में मैं आपके साथ बात करना चाहूँगा। सबसे पहले बात करें तो आज की क्लोजिंग अच्छी रही है, इतनी बुरी नहीं रही है। 5 पैसे ऊपर था, आधे प्रतिशत की तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग हुई, 9 रुपये 70 पैसे के आसपास की। कारोबार की डिटेल जाने तो इसके लिए मैं आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेके जाना चाहूँगा। यहाँ पे वोडाफोन आइडिया लिमिटेड 9 रुपये 70 पैसे पे क्लोजिंग, 5 पैसे ऊपर, 0.5% की तेजी, 9 रुपये 90 पैसे का हाई और 9 रुपये 65 पैसे का लो। यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें 8,76,59,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 3,56,42,000 शेयर की डिलीवरी। और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी यहाँ पे जो दिखाई दे रही है वो 40.66% के है। तो धमाकेदार कारोबार की सिचुएशन नजर आ रही है। सबसे पहली खबर यहाँ पे मैं आपको बताने जाऊंगा, वोडाफोन टू ऑफर मैनेज SIP सर्विस इन इंडिया फॉर द एंटरप्राइज कस्टमर। तो मतलब एंटरप्राइज कस्टमर है उनको यहाँ पे मैनेज SIP सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली फर्स्ट टेलीकॉम कंपनी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया बन चुकी है। तो कहीं ना कहीं IT सेक्टर में अपना जो पहले से ही मैं आपको बता रहा हूँ कि वोडाफोन आइडिया अपने जो पाव है वो IT सेक्टर में बिल्कुल जमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो उसी के पार्ट के तहत यहाँ पे मैनेज SIP सर्विस यहाँ पे एंटरप्राइज कस्टमरों को देने की घोषणा यहाँ पे उन्होंने करी है। इसके चलते वो क्या सर्विस देंगे, तो फिक्स्ड वॉइस नेटवर्क को प्रोवाइड करेंगे, बेस्ट इन क्लास SLS प्रोवाइड करेंगे, वॉइस एनालिस्टिक प्रोवाइड करेंगे, क्वालिटी स्कोर एंड वैल्यू एडेड फ्यूचर यहाँ पे वो अपने कस्टमरों को प्रोवाइड करती हुई वोडाफोन आइडिया नज़र आएगी। एंटरप्राइज कस्टमर्स की बात कर रहा हूँ। दूसरी खबर यहाँ पे आपके सामने, रिलायंस जियो वोडाफोन आइडिया वॉन्ट्स स्पेक्ट्रम ऑक्शन फॉर स्पेक्ट्रम इंडस्ट्रीज। मतलब कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सेटेलाइट के ऊपर जो स्पेक्ट्रम है, मतलब कि सेटेलाइट रिलेटेड जो स्पेक्ट्रम है उसको भी यहाँ पे वोडाफोन आइडिया और रिलायंस जियो बात कर रहे हैं कि उन स्पेक्ट्रम को भी यहाँ पे जब स्पेक्ट्रम ऑक्शन होता है तब यहाँ पे इंक्लूड किया जाए ताकि वो इनकी बोली लगा सके। यहाँ पे बताया जा रहा है कि नेटवर्क सर्विस शुड बी इंक्लूडेड इन द ऑक्शन, मतलब कि ऑल टाइप ऑफ जो स्पेक्ट्रम्स हैं उनको यहाँ पे ऑक्शन में शामिल किया जाए। यहाँ पे बात खास करके चल रही है सैटेलाइट स्पेक्ट्रम की। तीसरी खबर और आखिरी खबर आपके सामने, यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलायंस जो एक नए बिग बैंग प्लान की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, जिसके चलते वो सब्सक्राइबर और कंपनी का जो आर्पू है उसके ऊपर नजर करेगी। हालांकि खबर पूरी तरह से जियो के ऊपर है, परंतु जियो जिस तरह की प्लानिंग कर रहा है आगे जाकर के अनाउंसमेंट होंगे तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया पे ही प्रेशर आता हुआ ज्यादातर देखने को मिलेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिलायंस जियो और गूगल 5G अफोर्डेबल स्मार्टफोन को लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रही है, और इसके साथ साथ जो एक जो डाटा वाली जो प्लान है उसकी भी तैयारी कर रही है। मतलब कि आपको पता होगा कि 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 3 GB ऐसा करके पर डे की लिमिट वाला डाटा अभी तो सभी कंपनियां प्रोवाइड कर रही है, पर रिलायंस जियो प्लान कर रहा है कि 9 डेली लिमिट वाला डाटा का प्लान वो पैकेज अनाउंसमेंट कर सकती है अपने कस्टमरों के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे रिलायंस में तो तेजी आएगी, परंतु भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया में जब तक ऐसा सिमिलर प्लान वो लॉन्च नहीं करते तब तक हो सकता है टेम्प्ररी थोड़ी बहुत करेक्शन आए। परंतु ऐसा अभी कोई भी बताया नहीं गया कि वो ये प्लान कब लॉन्च करेंगे। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसी बताई जा रही है कि जो AGM की मीटिंग होगी उसमें ये अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो तब आपको ये जो 24 जून का टाइम दिया गया है तब आपको थोड़ा बहुत वोडाफोन आइडिया में अलर्ट भी रहने की जरूरत है। ये तीन खबरें थी जो कि मैंने आपके साथ डिस्कशन करी। अभी मैं आपको सीधा चार्ट पे लेके जाना चाहूंगा और चार्ट पे लेवल टारगेट आपके सामने डिस्कशन करना चाहूंगा। यहाँ पे देखिए एक नैरो रेंज 9.75 रुपये और नीचे की तरफ 9.70 रुपये। आज का जो मोस्ट ऑफ दिन का जो समय है वो वहाँ पे बीता है, आप देख सकते हो एकदम रेंज बाउंड। तो दोस्तों इसको ऊपर या नीचे की तरफ तोड़ने दीजिए और क्लोजिंग होने दीजिए। 9.70 रुपये टूटा तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि 9.50 रुपये तक फिर से आ सकता है। ऊपर की तरफ 9.75 रुपये टूटा
तो 9 रुपये 90 पैसे के तक के लेवल फिर से दिखाई दे सकते हैं। उसके ऊपर 10 रुपये 5 पैसे का लेवल है जो कि मैंने कल भी आपको बताया था। तो मैं चाहूंगा इन लेवलों को आप वॉच आउट करिए, अपनी स्टडी कंडक्ट करिए और उसके बाद ही यहाँ पे कोई पोजिशन बनाने की कोशिश कीजिए। RSI का लेवल 44 का दिखाई दे रहा है, 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। ज्यादा ज्यादा बताना चाहूंगा जिस किसी ने जीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया है या तो फिर करवाना चाहता है वो यहाँ पे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने जीरोधा की लिंक डाल दी है, वहां से जाकर बिल्कुल फ्री जीरोधा में अकाउंट ओपन करवा सकते हो। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाइए। मिलते हैं अगले एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू अगर फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।